हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक नया पेपर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लीनियर एलजेब्रा, जो जीई के सेकंड सेम में अभी लग रहा है। इसमें हमें टोटल कितने चैप्टर्स कवर करने हैं और कौन सा बुक हम लोग फॉलो करेंगे, तो जेके ठुकराल इसलिए क्योंकि इसमें सारा कुछ कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से पूरे सिलेबस को करके दे रखा है और बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जिस टाइप के पेपर में आते हैं, तो ज़्यादा इधर उधर वेस्टेज नहीं होगा, हमारा लेबर जो है वो वेस्ट नहीं होगा। हम लोग सिर्फ कंक्रीट पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक हम लोग कवर अप करेंगे। चैप्टर 1 में है यूक्लिडियन स्पेस, चैप्टर 2 में है मैट्रिसेस, और चैप्टर 3 में है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर 4 में आइगन वैल्यूज एंड डायगोनलाइजेशन, चैप्टर 5 में है वेक्टर स्पेसेस, चैप्टर 6 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चैप्टर 7 में है ऑर्थोगोनैलिटी। चैप्टर 1 में वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, चैप्टर 2 में मैट्रिसेस के बारे में। इस तरीके से आगे हम लोग सारे चैप्टर्स को करते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है कि यूक्लिडियन स्पेस। अगर आप हमारे और भी इस तरीके के वीडियोस चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आप हमारा फुल कोर्स चाहते हो तो जो सामने में नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, हाउ टू रन फुल ऑनलाइन कोर्सेज या फिर फुल ऑफलाइन कोर्सेज, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो यहाँ से। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना यूक्लिडियन स्पेस। तो चलो चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो देखो क्लास 1 ऑफ चैप्टर 1 यूक्लिडियन स्पेस। इसमें हमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। आपको वेक्टर्स के बारे में क्या क्या पता है पहले से, कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। A quantity which has both magnitude and direction. A quantity which has both magnitude and direction. वैसे quantity को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? Vector. जैसे ये देखो, ये अगर vector है तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, और ये हो गया इसका लेंथ। अब आते हैं हम लोग वेक्टर के लेंथ के ऊपर। तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर सपोज करो, अगर ये कोई वेक्टर है जिसका कंपोनेंट है ए बी सी। अब आपको वेक्टर जो पढ़ना है ना, वो 3D के फॉर्म में पढ़ना है, मतलब ए बी सी लिखा हुआ रहे या फिर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बात एक ही है। अब इसका अगर लेंथ निकालना है इस वी का, तो लेंथ ऑफ वी के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। तो आपको पता है कि ये ओरिजिन से वहाँ तक का वेक्टर है, तो इसका लेंथ हो जाएगा a माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस b माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस c माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। सो इट विल बी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों का सम हो जाएगा ये। और अगर आप गौर से देखोगे तो o v अगर एरो मैंने दे दिया तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा उसका टेल जो होगा वो ओरिजिन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो पोजीशन वेक्टर ये बताता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अभी ये वेक्टर है कहाँ।
और वेक्टर का लेंथ भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। अब कभी कभी ऐसे हो जाता है, ये हो गया P1, ये हो गया P2, P1 से P2 तक के वेक्टर की बात हो रही है, तो OP1 एंड OP2 आर पोजीशन वेक्टर्स। ये दोनों क्या है बताओ, पोजीशन वेक्टर्स है। अगर हमें P1 P2 चाहिए तो करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी OP2 में से माइनस कर देंगे OP1 को। सपोज करो ये है A1 A2 A3 और ये है B1 B2 B3, तो पता है P1 P2 वेक्टर क्या आ जाएगा, B1 माइनस A1 कॉमा B2 माइनस A2 कॉमा B3 माइनस A3, ये हो गया वेक्टर हमारा। तो अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये एक लाइन वेक्टर है, पहले जो था वो था पोजीशन वेक्टर, लाइन वेक्टर आ गया। जीरो वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ये सब तो आता ही है। देखो जरा यहाँ पे जीरो वेक्टर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसके सारे कंपोनेंट जीरो होंगे उसे कहेंगे जीरो वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो दोनों के कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, जैसे एक्स और वाई अगर इक्वल है तो एक्स वन विल बी इक्वल टू वाई वन, एक्स टू सेकेंड कॉम्पोनेंट इसके सेकेंड कॉम्पोनेंट के इक्वल होगा, तो ये सारी बातें हैं। फिर है एडिशन ऑफ अ वेक्टर, अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं डायमेंशन के फॉर्म में तो ये कहलाएगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एक्स प्लस वाई, और इसमें कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन होगा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर तो बस माइनस लगा देना है, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ईच एंट्री ऑफ एक्स बाय इट्स नेगेटिव। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर है क्या, तो एडिशन ऑफ नेगेटिव, एडिशन ऑफ नेगेटिव, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि किसी कॉन्स्टेंट से पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसकी काफ़ी इजी प्रॉपर्टीज़ है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके ऊपर। ये देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन, रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, यानी एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेक्टर्स में भी ये सारे रूल्स लग सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होगा ये। उसके बाद से है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स एंड जीरो मस्ट बिलोंग टू वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर से बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद से है फोर्थ इनवर्स, फोर्थ क्या है, तो इनवर्स ऑफ अ वेक्टर, यानी एक्स के साथ एक माइनस एक्स हमेशा मिलेगा जीरो, तो माइनस एक्स मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिफ्थ वन इज, अगर स्केलर मल्टीपल है और एक्स प्लस वाई है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं सी एक्स प्लस सी वाई में। सेवन्थ है, अगर दो स्केलर है और एक ही वेक्टर है तो कोई बात नहीं, सी एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा ये। सेवन्थ प्रॉपर्टी इज, अगर दो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में है तो सी बाहर आ जाएगा और डी एक्स अंदर। एट्थ में वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये सारे रूल्स वेक्टर एडिशन में लगते हैं, अगर इसमें से कोई भी वेरिफिकेशन आता है
तो वेरिफिकेशन इज़ वेरी इजी, बस आपको तीन वेक्टर ले लेने हैं और फिर सॉल्व करते जाना है। तो वेरिफिकेशन में कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर लेकर के उसका लेफ्ट और राइट वाला आप लोग क्या करोगे, सेम कर दोगे, दिखला दोगे। नेक्स्ट है नोट, अगर सी एक्स जीरो है देन या तो सी जीरो होगा या फिर एक्स जीरो होगा, या तो स्केलर ही जीरो है या फिर वेक्टर ही जीरो है, तो ये चीज भी हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद से लेंथ ऑफ अ वेक्टर हम लोगों ने देख लिया, एडिशन भी समझ लिया, सब्ट्रैक्शन भी समझ लिया। एक और रूल है, नोट अभी मैंने एक बताया, एक और नोट है, एक और नोट है, नोट टू, जिसमें दे रखा है कि लेंथ ऑफ सी एक्स विल बी इक्वल टू सी का मॉडुलस और लेंथ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल, अगर ट्वाइस ऑफ एक्स का लेंथ निकालना है तो ये नहीं कि टू से मल्टीप्लाई करो फिर लेंथ निकालो, टू को बाहर रख दो, अगर माइनस टू है तो माइनस टू को बाहर रख दो और लेंथ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो दिस इज नोट टू जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए है, अगर मान लो मैंने आपको कहा कि वी हैव टू मूव 5 किलोमीटर इन ए नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं हुआ क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 किलोमीटर और डायरेक्शन मैंने बता दिया नॉर्थ। यूनिट वेक्टर तब होता जब 5 किलोमीटर हटा देते वहां पे 1 किलोमीटर डाल देते, यानी डायरेक्शन में कोई चीज़ नहीं करना। यूनिट वेक्टर के लिए v कैप इज इक्वल टू v बाय लेंथ ऑफ v, v कैप इज इक्वल टू v बाय लेंथ ऑफ v, ये हो गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। क्योंकि v में लेंथ और डायरेक्शन दोनों छुपे होते हैं, अगर लेंथ से डिवाइड कर दिया तो खाली लेंथ 1 बचा और डायरेक्शन हमारा रह गया, तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हुआ। फिर है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एक देखना एग्जाम्पल वन, हमें निकालना है लेंथ ऑफ वेक्टर, कंप्यूट द लेंथ ऑफ फॉलोइंग वेक्टर, कंप्यूट द लेंथ of following vectors, a minus 1, 2, 3। तो इसका जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो लेंथ इज इक्वल टू रूट अंडर, हम लोगों ने पढ़ा है कि सीधा कॉम्पोनेंट का क्या कर देते हैं स्क्वायर, कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर देने पे हमें क्या मिल जाता है, लेंथ मिल जाता है। तो दिस विल बी 1 प्लस 4 प्लस 9, 9, 4, 13, 1, 14, तो ये आ गया रूट 14। तो रूट 14 इज द लेंथ ऑफ वेक्टर v, और b में है 2, 3, माइनस 1, 1, तो इसका जब लेंथ निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब देखो मैथमेटिक्स में तो 4 डायमेंशन का कोई मीनिंग नहीं है कि 4 डायमेंशन वाला कौन सा वेक्टर होगा, लेकिन आप आगे चल के पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स हो गया या साइंस हो गया, उन सब में ज़्यादा डायमेंशन वाले वेक्टर्स भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सबका मीनिंग अलग अलग होगा, सब अलग अलग प्लेस के लिए होगा। तो वेक्टर्स मे बी ऑफ एन डायमेंशन ऑल्सो, अभी इसका डायमेंशन कितना है 4 है, इधर किया तो 1, 1, 2, 9, 2, 11 एंड 4, 15, तो दोनों का लेंथ निकल गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि है यूनिट वेक्टर पे,
यूनिट वेक्टर में एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको नॉर्मलाइजिंग भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर और नॉर्मलाइजिंग अ वेक्टर बात एक ही है। किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है कि आप उसको उसके लेंथ से डिवाइड कर दो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, वही कहलाता है नॉर्मलाइजिंग अ वेक्टर। नाउ वी आर मूविंग टू एग्जांपल टू, लेंथ ऑफ अ वेक्टर हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल टू में है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर x इज इक्वल टू माइनस वन टू एंड थ्री। ध्यान से देखो ना, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दे तो नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले तो लेंथ ऑफ x, तो लेंथ ऑफ x कितना आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, दिस इज नाइन फोर थर्टीन वन, नाइन फोर थर्टीन वन फोर्टीन, तो ये आ गया रूट फोर्टीन। अब नॉर्मलाइजिंग वेक्टर x, तो ये हो जाएगा x बाय लेंथ ऑफ x, यानी कि माइनस वन टू थ्री को डिवाइड कर दिया रूट फोर्टीन से, तो ये आ गया माइनस वन बाय रूट फोर्टीन कॉमा टू बाय रूट फोर्टीन कॉमा थ्री बाय रूट फोर्टीन। ये हो गया यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन था माइनस वन टू थ्री का। नेक्स्ट आ रहा है अब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इससे भी आ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखना, लेट यू वी डब्ल्यू बी वेक्टर्स सच दैट, अगर मैंने w को लिख दिया कुछ c1 वन इंटू यू प्लस सी टू इंटू वी, देन पता है w को क्या कहेंगे, w इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v, W कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। और इसी के लिए एक दूसरा लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, U एंड V स्पैन्स W, मतलब U और V मिलके किसको बना रहे हैं, W को बना रहे हैं। तो इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसा मैंने दो के लिए लिखा है लेकिन आप कितने के लिए भी लिख सकते हो, 10 15 जितने के लिए मर्जी उतने के लिए लिख सकते हो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब देखना जरा एग्जांपल थर्ड, इसमें दे रखा है इज, पूछा है इन्होंने कि माइनस सिक्स माइनस सेवन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन, इसको v नाम दिया, इज v अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन थ्री माइनस टू एंड वी टू फोर वन, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखना जरा, हम लोग मान लेंगे कि लेट v बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन एंड वी टू, v को हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन किसका किसका मान लिया, v1 एंड v2 का मान लिया, सो देयर एग्जिस्ट c1 एंड c2 सच दैट v मे बी रिटन एज c1 इंटू v1 प्लस c2 इंटू v2, दैट इज v की जगह पे डाल देंगे माइनस सिक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू c1 इंटू v1 थ्री माइनस टू प्लस c2 इंटू v2 फोर वन। Ha ha ha!
तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री सी वन माइनस टू सी वन प्लस फोर सी टू सी टू। तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री सी वन प्लस फोर सी टू माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस टू सी वन प्लस सी टू। अब सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करना है इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री सी वन प्लस फोर सी टू माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू माइनस एट सी वन प्लस फोर सी टू माइनस प्लस प्लस फोर सी टू कैंसिल, एट और थ्री आ गया अलेवन और ट्वेंटी एट में से सिक्स गया तो ट्वेंटी टू, तो सी वन इज इक्वल टू टू। अब सी वन की वैल्यू टू डाल करके देखना जरा, सी टू निकालना है तो सी टू इज इक्वल टू यहाँ पे टू डाल दिया तो माइनस फोर, माइनस फोर उधर गया तो प्लस फोर, बच गया माइनस थ्री, तो सी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। हेंस पता है हम वी को क्या लिख सकते हैं, वी मे बी रिटन एज टू इंटू वी वन माइनस थ्री इंटू वी टू। सो यस वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन एंड वी टू। यस वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन एंड वी टू। तो ये था आपका 1.1 अच्छा 1.1 और 1.2 मतलब पहला एक्सरसाइज, अब आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद से हम लोग आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट है 1.3, ध्यान से देखना डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के क्या क्या होंगे। जैसे मान लो ये है अगर वी वन और ये है अगर वी टू, इस दोनों के बीच में एंगल बनाए थीटा, तो वी वन डॉट वी टू विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वी वन इंटू लेंथ ऑफ वी टू इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेंथ ऑफ वी वन इंटू लेंथ ऑफ वी टू इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब कभी कभी एंगल निकालना होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा वी वन डॉट प्रोडक्ट वी टू बाय लेंथ ऑफ वी वन इंटू लेंथ ऑफ वी टू इंटू लेंथ ऑफ वी टू। फिर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स वी वन डॉट वी टू बाय लेंथ ऑफ वी वन इंटू लेंथ ऑफ वी टू। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और जब दो वैक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, जैसे वी वन है ए बी सी और वी टू है डी ई एफ, तो पता है आपको कि वी वन डॉट वी टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड, तीनों का सम, ये हो गया वी वन डॉट वी टू। और लेंथ ऑफ वी वन निकलेगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेंथ ऑफ वी टू निकलेगा तो रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी वन डॉट वी टू, तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये आ गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस वन। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, क्लियर। और दो के बीच का डॉट प्रोडक्ट भी फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड होता है, तीनों का सम कर देते हैं हम लोग। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे तो जो नॉर्मली रियल नंबर्स के बीच में लगता है वैसी ही सारी प्रॉपर्टीज है, फिर भी जो यूनिक होंगी उनको हम लोग ज़्यादा याद रखेंगे, क्योंकि हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या नहीं होना चाहिए ये अगर एक्सेप्शनल केसेज है तो वही याद कर लेंगे। देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में है कि चाहे तो आप एक्स इंटू वाई करो या वाई डॉट एक्स करो, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। फिर है कि अगर आप एक्स इंटू एक्स करोगे तो आपको आएगा लेंथ एफ एक्स का स्क्वायर, जो कि हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, सॉरी, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो एक्स डॉट एक्स में 1, 2, 3 का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1, 2, 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो याद हो गया कि x इंटू एक्स जो है वो लेंथ ऑफ x का स्क्वायर होगा, जिसका हम लोग यूज़ भी करेंगे कुछ कुछ थ्योरम के प्रूफ्स में, तो इनको यूज़ करना है हमें, ठीक है। थर्ड, अगर x इंटू एक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ x भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट आता है उसके लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ का स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो तभी लेंथ जीरो हो सकता है जब वेक्टर खुद क्या हो बताओ, जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी है सी इंटू एक्स इंटू वाई। अब पहले एक्स इंटू वाई निकाल करके फिर सी मल्टीप्लाई करो, या फिर सी इंटू एक्स निकाल करके फिर उसके साथ वाई मल्टीप्लाई करो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। फिर है फाइव, x इंटू वाई प्लस जेड करो, तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, या फिर x प्लस वाई इंटू जेड करो तो ये आ जाएगा x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओके है, यानी इसमें हमें कुछ भी ऐसे याद करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ तो हमें पता ही है, बस एक ये रेड में जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया ये याद रखना है आपको कि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। अब देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर फाइव हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फाइव में है कि 2x-5y (-4x+3y) निकालो। चलो निकालते हैं। देखना जरा, 2x-5y को मल्टीप्लाई कर दिया -4x+3y के साथ, तो ये आ जाएगा -8x.x, हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही होता है, +3 × 6x.y, और फिर 5 × 4 = 20 हो गया, तो 20y.x, फिर 5 × 3 = 15, तो -15y.y। ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ x का स्क्वायर, और x इंटू वाई और y इंटू एक्स तो सेम ही है ना, तो 26x.y -15 लेंथ ऑफ y का स्क्वायर। तो इस तरीके से मतलब कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में हमें आगे प्रूफ वाले में करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से वाकिफ करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना डोज दे रहे हैं इजी इजी एग्जांपल का, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो पहले से। एग्जांपल नंबर सिक्स में है शो डैट कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर दी डॉट प्रोडक्ट शो डैट देर एग्जिस्ट वेक्टर्स। अच्छा, इसी के साथ और भी है, शो डैट देर एग्जिस्ट वेक्टर्स
एक्स वाई जेड इन आर एन विथ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू जेड बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे तो शो करना बड़ा मुश्किल है, डज नॉट होल्ड फॉर द डॉट प्रोडक्ट, शो डैट देर एग्जिस्ट वेक्टर्स, क्योंकि ये कोई थ्योरम या प्रूफ नहीं है जिसमें हम लोग दिखला सके कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, तो एक्स और वाई अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही काम आएगा। अगर x मैंने ले लिया 1 0, y ले लिया 0 1 और z ले लिया 1 1, तो देखना जरा कि x इंटू जेड क्या आ जाएगा, 1 0 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। y इंटू जेड क्या आ जाएगा, 0 1 इंटू 1 1, तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखना जरा है, x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू जेड बट x इज नॉट इक्वल टू y। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि x, y, z तीन वेक्टर्स हों जहां पे x इंटू जेड इज इक्वल टू y इंटू जेड बट x इज नॉट इक्वल टू y, बट x इज नॉट इक्वल टू y। नेक्स्ट है, कुशी स्वर्स इनइक्वलिटी, कुशी स्वर्स इनइक्वलिटी। इसमें है कि लेट एक्स एंड वाई बी वेक्टर्स, लेट एक्स एंड वाई बी वेक्टर्स इन आर एन, देन x into y is less than equal to length of x into length of y। तो देखना जरा, कुशी स्वर्ज इनइक्वालिटी तो प्रूव करने को भी आ सकती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि x into y क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो हो जाता है लेंथ ऑफ x into लेंथ ऑफ y into cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बाई लेंथ ऑफ x इंटू लेंथ ऑफ y। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि cos जो है वो 0 पे 1, ऐसे जाकर के भी ये कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है। तो cos थीटा लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1, विच इम्प्लाइज कि cos थीटा का मॉड जो है वो किससे छोटा रहेगा, हमेशा 1 से छोटा रहेगा। विच इम्प्लाइज मॉड के अंदर में x इंटू वाई बाई लेंथ ऑफ x इंटू लेंथ ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज कि x डॉट y बाई लेंथ ऑफ x इंटू लेंथ ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज कि x इंटू y इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ x इंटू लेंथ ऑफ y। तो ये आ गया हम लोगों का कुशी स्वर्ज इनइक्वलिटी, प्रूफ हो गया ये। अब है ये आ गया हम लोगों का अब नेक्स्ट है, एक और छोटा सा प्रूफ दे रखा है, कुशी स्वर्ज इनइक्वालिटी तो हमने प्रूफ कर दिया, दिस इज द कुशी स्वर्ज इनइक्वालिटी प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर x बाय
लेंथ ऑफ एक्स, सॉरी दो ही बनेगा, एंड वाई बाई लेंथ ऑफ वाई आर बोथ यूनिट वेक्टर्स। प्रूव दैट ए इंटू बी इज लाइंग बिटवीन माइनस वन टू वन फॉर एनी यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी। इस टाइप के प्रूफ भी आ सकते हैं पेपर में, तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन वाले प्रूफ है वो सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो ध्यान से देखना। दोनों यूनिट वेक्टर है, x by length of x and y by length of y। तो अब देखना जरा, a और b दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट इस तरीके से करेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी से। तो डॉट प्रोडक्ट में a इंटू ए बनेगा, फिर माइनस बी इंटू ए, और फिर क्या बनेगा, माइनस बी इंटू ए हो गया, फिर माइनस a इंटू बी और प्लस b इंटू बी। तो एक तरफ ये बन जाएगा लेंथ ऑफ a का स्क्वायर, और ये दोनों तो सेम ही हैं, तो माइनस टू ए इंटू बी प्लस लेंथ ऑफ b का स्क्वायर। और किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो a माइनस बी का लेंथ का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें तो पता है ना कि सिंस किसी भी चीज का होल स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो इसकी जगह पे मैंने ये वाली पूरी वैल्यू डाल दी, दिस लेंथ का स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी प्लस लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज कि लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए डॉट बी। अभी आप इसको क्या मान लो, अच्छा तो देखो जरा, 2ab इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ a का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ b का स्क्वायर, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 2ab इज लेस देन 1 प्लस 1 विच इंप्लाइज 2ab इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 2 कैंसिल, तो ab इज लेस देन इक्वल टू प्लस 1। तो अभी जब हमने a माइनस बी लिया था तब तो ये चीज आया, नेक्स्ट टाइम अब हम लोग क्या लेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लेकर के चलेंगे, इसको मान लो 1, तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस बी इंटू बी, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर, ये आ गया ए प्लस बी का लेंथ का स्क्वायर। अब फिर वही चीज, सिंस लेंथ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज फिर यहाँ पे वन वन डाल देंगे, टू ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ ए बी तो हमें पता है ना, 1 प्लस 1 विच इंप्लाइज 2 ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इंप्लाइज ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ ये हुआ है कि जब ये दोनों साइड जाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस माइनस, तो माइनस टू से बड़ा तो ग्रेटर देन माइनस वन। अब आप गौर से देखो तो एक तरफ a इंटू बी लेस देन इक्वल टू वन आ रहा है, एक बार a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ रहा है, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू a इंटू बी जो है वो बड़ा आ रहा है माइनस वन से और छोटा आ रहा है वन से, लेकिन गिवन द कंडीशन दैट a एंड b बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, a एंड b बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, उसके बाद से है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो इन सब को अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, एंगल निकालना, प्रोजेक्शन, इतने सारे टॉपिक्स रह जाएंगे। तो ये हम लोग करते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इन्हीं को प्रैक्टिस करो बार बार। लीनियर अलजेब्रा के साथ बुरी बात ये है कि शुरुआत में बच्चों को लगता है काफ़ी ईजी, तो वो समझ नहीं पाते कि ये पेपर है क्या। शुरुआत से तो बहुत कम क्वेश्चन आने हैं, आगे चल के थोड़े से होंगे टफ, ये काफ़ी लेंथी सिलेबस है ये, तो इसको जो है शुरू से ही कनेक्टिविटी बना करके पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा तो फिर सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड नहीं आएगा, इसलिए पढ़ते जाओ तो कनेक्शन में पढ़ते जाओ। अचानक से कोई भी चैप्टर लोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।